हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तजियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक घनौना धंधा चलता है, उसको काबली गाड़ियों का धंधा कहा जाता है, जिसके जरिए इंतहाई कीमती लग्जरी फोर व्हीलर्स अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पहुंचती हैं। ये इन गाड़ियों में से अक्सर तो चोरी की गाड़ियां होती हैं और कसीर तादाद में वो गाड़ियां होती हैं जिनकी कोई ड्यूटी नहीं दी जाती और फिर ये पाकिस्तान में औने पौने बिक जाती हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ियां लाखों में मिल जाती हैं और अब इत्तलात के मुताबिक इसका मरकज़ वो सूबा है जहाँ पर गवर्नेंस नाम का वजूद दूर दूर नज़र आता है, करीब नहीं, और वह है सिंध का। और इत्तलात के मुताबिक सिंध में भी कराची में अब हज़ारों की तादाद में इस किस्म की गाड़ियाँ रजिस्टर हो रही हैं और ये गैर कानूनी, और ये जो अमल चल रहा है गैर कानूनी गाड़ियाँ रजिस्टर का, इसको अब पकड़ा गया है। इसमें महकमा एक्साइज ने इस हवाले से 9 ऑफिसर्स को अपने पकड़ा है, उनको फिलहाल सस्पेंड किया गया है। हमें नहीं पता कि उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं रजिस्टर हुई है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। हमारे ज़राए कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि ये धंधा नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है। सिंध के महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की एक ताज़ा इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान में स्मगल होने वाली करोड़ों रुपये की मालियत की बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ जो आमतौर पर काबली गाड़ियाँ कहलाती हैं, सूबह सिंध में धड़ाधड़ रजिस्टर हो रही हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि स्मगल शुदा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए पहले कस्टम ड्यूटी की अदायगी के जाली कागजात बनते हैं, जिनकी बुनियाद पर महकमा एक्साइज सिंध का अमला गाड़ियां रजिस्टर करता है। महकमा एक्साइज के जरिए बताते हैं कि एक काबली गाड़ी को गैर कानूनी रजिस्टर करने के लिए तकरीबन 20 लाख रुपये रिश्वत ली जाती है और हर गाड़ी पर 1 से 1.5 करोड़ रुपये की कस्टम ड्यूटी चोरी की जाती है। सिंध के महकमा एक्साइज के मुताबिक सिर्फ कराची में रोज़ाना 100 से 200 फोर व्हील गाड़ियाँ रजिस्टर होती हैं, जिनमें से 10 से 15% गाड़ियाँ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इस किस्म की गाड़ियाँ होती हैं जिनको काबली गाड़ी कहा जाता है, गोया के या तो वो चोरी की गाड़ियाँ होती हैं या बिना ड्यूटी पेड गाड़ियाँ होती हैं। इस तरह कराची में हज़ारों ऐसी स्मगल शुदा गाड़ियाँ चल रही हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं, बाकायदा सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन की नंबर प्लेट उन पर लगी हुई है, जिनके बारे में अब तहकीकात हो रही है। और अब हुकूमत सिंध, बल्कि सिंध का महकमा पुलिस कहता है कि वो इस किस्म की गाड़ियों की तलाश में है, वो कि कस्टम के एक महकमे का पूरा ये काम है जो कस्टम इंटेलिजेंस कहलाता है कि इस किस्म की गाड़ियों का सुराग लगाए और उसके बारे में एक्शन ले। इस धंधे के बारे में हम आपको दिखाते हैं खसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे खसूसी इख्तियार खोकर ने तरतीब दी है। CPLC की जानिब से हुकूमत सिंध को भेजी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कराची शहर में सरकारी नंबर प्लेट्स लगाकर चलने वाली 17% गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली हैं। ये गाड़ियां महकमा एक्साइज सिंध के पास रजिस्टर ही नहीं, शहर के अंदर सरकारी नंबर प्लेट्स लगाकर चलने वाली 13% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो दूसरी गाड़ियों के नाम पर जारी शुदा नंबर प्लेट्स लगाकर चलती हैं। सैकड़ों प्राइवेट गाड़ियाँ पुलिस की जाली नंबर प्लेट्स या पुलिस की गाड़ियों से मिलती जुलती डिज़ाइन और रंग वाली नंबर प्लेट्स लगाकर चल रही हैं। हुकाम का कहना है कि शहर के अंदर 1 से 2 लाख ऐसी प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं जिनकी हरे रंग की गैर कानूनी नंबर प्लेट्स पर हुकूमती अफसरान के नाम और ओहदे लिखे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक गाड़ियाँ अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा हैं। शहर के अंदर सैकड़ों ऐसी प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल रही हैं जिन पर ज़ाती नौयत की नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं और ये गाड़ियाँ तासुर दे रही हैं कि वो हर कानून से बालातर हैं। शहर में बरसों से तकरीबन 2 लाख गाड़ियाँ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की प्लेट्स लगाकर फिर रही हैं, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। CPLC की जानिब से 6 माह पहले वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को भेजी गई इस रिपोर्ट के साथ जाली और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाकर चलने वाली 150 गाड़ियों की तस्वीर शामिल की गई, लेकिन हुकूमत सिंध ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। कल महकमा दाखिला सिंध ने कहा है कि वह सिलसिले में क्रैकडाउन का आगाज़ कर रहा है, जिसमें
जाली नंबर प्लेट, फैंसी नंबर प्लेट्स, काले शीशों वाली गाड़ियों पर कार्रवाई की जाएगी। मगर ये हर साल में कई बार इस किस्म का हुक्म आता है मगर उसकी कोई वक्त नहीं होती है। इसके बारे में मजीद मालूम हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे खसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि जब ये धंधे का इंकशाफ हुआ, ये पता चल गया कि ये महकमा एक्साइज के लोग हैं जो ये जाली रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आइडेंटिफाई हो गए, वो तो गिरफ्तार होने चाहिए थे, उनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए थी, उनके खिलाफ तो बड़ा मैसिव क्रैकडाउन होना चाहिए था, सिर्फ सस्पेंड करने इसका क्या अमल है? जी खान साहब, ये असल में महकमा एक्साइज ने भी ये जो कार्रवाई की है उस पर भी काफ़ी इंटेलिजेंस इदारों का दबाव था, उसके बाद ये छोटी सी कार्रवाई की गई है। और इस मामले में मैंने सूबाई वज़ीर एक्साइज का मुकेश कुमार चावला उससे रब्ता किया और उससे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जी हमारे जो मैंने कहा एक छोटे से अफसरान हैं जो मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ आपने कार्रवाई की है, लेकिन उनके खिलाफ भी सिर्फ मौतली का अमल हुआ है, उनके खिलाफ कोई गिरफ्तारी, तो उन्होंने कहा कि हम मजीद कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैंने उनसे एक और अहम सवाल ये किया कि ये जो पूरा धंधा है इसके पीछे तो सिर्फ ये छोटे से अफसरान नहीं, इसके पीछे तो एक पूरी माफिया है, इसके पीछे तो वो लोग हैं जो ये गाड़ियाँ लाते हैं, जो ये गाड़ियाँ रजिस्टर कराते हैं, जो बहुत बड़े, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? तो वो कहते हैं कि उनके खिलाफ हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, दूसरे इदारे कार्रवाई करें। तो खान साहब ये एक बहुत बड़ा धंधा है, जो अब देखें ये गाड़ियाँ यहाँ तो ज़मीनी रास्ते से सरहदों से आती हैं, यहाँ ज़्यादातर जो गाड़ियाँ वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड की होती हैं जो सील कंटेनर में होती हैं। ये बताइएगा कि अब तो रिकॉर्ड मिल गया है ना, जो गाड़ियाँ जाली रजिस्टर हुई है उनकी तो सुराग मिल गया है ना, उन गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए ना। वो जो हज़ारों गाड़ियां इस वक्त शहर में घूम रही हैं, ये फोर व्हीलर्स जो कि जिनको जाली अंदाज में रजिस्टर किया गया है, उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं ये एक्साइज वाले? नहीं खान साहब, उसके हवाले से भी मैंने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि हमारे पास हम सोच रहे हैं लेकिन अभी तक इस हवाले से उन्होंने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार हुकूमत सिंध ने ऑन रिकॉर्ड ये बात तस्दीक की है, खुद तस्दीक की है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियां रजिस्टर हो रही हैं, लेकिन वो गाड़ियां रजिस्टर कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और ना ही जो सालों से जो हज़ारों गाड़ियां रजिस्टर हुई उसके हवाले से इस वक्त तक जो है ना कोई भी कार्रवाई नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसकी मजीद माहिराना मालूमात हासिल करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजम्मिल असलम जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के, और इस खास जो मैटर है इसके माहिर हैं। मुजम्मिल असलम साहब, ये बताइएगा, ये खैर ये कोई नया अमल नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा लगता है कि ये एक कारोबार है, काबली गाड़ी एक कारोबार है, FBR से लेके नीचे के एक्साइज तक के सब लोगों को पता है, क्या सब लोग मिले हुए हैं इसलिए ये चलता है? देखिए ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं ना कि ब्लैक मनी का एक चेन है। आपको याद होगा कि 2013 की जब जरदारी साहब की गवर्नमेंट खत्म हो जाती थी, एक गाड़ी की एमनेस्टी आई थी और पूरे पाकिस्तान में जितनी भी चोरी की गाड़ियां और काबली गाड़ियां और वो थी और वो दी थी, और उसमें हुकूमत को 55 अरब रुपए का रेवेन्यू मिला था। और वो जो है बाकायदा मुझे ये भी याद है कि जब ये एमनेस्टी स्कीम अनाउंस हुई थी तो पाकिस्तान में जो गाड़ी मौजूद नहीं थी वो भी रजिस्टर हो गई थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बॉर्डर क्रॉस करा करा के लाई गई थी, 10 साल 15 साल उसमें विंटेज कार भी थी और बहुत कुछ था। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर ये इसी तरह पिछले 4-5 सालों में गाड़ियां जमा होती हैं, फिर कोई हुकूमत आती है उनको FBR वाले जब रेवेन्यू शॉर्ट होता है कहते हैं जी इनको लीगलाइज करें, तो ये एक ट्रेड बन चुकी हुई है। और इसमें बहुत सारी टेम्परिंग भी होती है, कुछ ओरिजिनल गाड़ियां आ जाती हैं और कुछ टेम्परिंग होती है, और चेचेस नंबर को मिटा के जो चोरी हुई होती है गाड़ियाँ उनके ऊपर नया चेचेस प्रिंट कर दिया जाता है और फिर उसको रजिस्टर करा के आम आदमी को बेवकूफ़ बना के बेच दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत जितनी ज्यादा ड्यूटी रखेगी उतना ज्यादा आर्बिट्राज स्मगलिंग का, बेईमानी का और माफिया का, ये तो एक बुनियादी उसूल है ना कि जिस चीज पे जितनी ज्यादा ड्यूटी होगी उसमें उतनी ही ये काला धंधा होगा, स्मगलिंग होगी। ये 250-300% अगर ड्यूटी ना हो तो आपके ख्याल में क्या हुकूमत का भी फायदा होगा और इस कारोबार की भी हौसला शिकनी होगी और वॉल्यूम पे फिर शायद हुकूमत को फायदा ही हो जाए? देखें, हुकूमत ने बहुत सारे ऐसे कारोबार जो है ना लोगों को नाजायज करने पे मजबूर कर दिया और ब्लैक करने पे। अब हुकूमत समझिए कि 250% में उसको बहुत ज्यादा ड्यूटी मिल रही है। अगर जो है आधी गाड़ियां इस तरह की नॉन कस्टम पेड पूरे मुल्क में चल रही है, अगर ड्यूटी आधी से भी कम कर देंगे तो एक तो इनका रिकॉर्ड आ जाएगा, दूसरा रेवेन्यू की शक्ल भी आ जाएगी, और तीसरा ये कि जायज ब्लैक और वाइट मनी भी जो है इकट्ठी अलग हो जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जो है इसको जानबूझ के इतना महंगा रखती है ताकि जो है अदर कारोबार चल सके। जैसे अभी एक्साइज की बात हो रही थी, आज भी कानून है कि जब आप गाड़ी लें तो पहले एक्साइज में गाड़ी जाती है, इंजन नंबर चेक होता है और फिर रजिस्ट्रेशन होती है। कोई 1% गाड़ियाँ भी नहीं जाती, वहाँ पर स्पीड मनी ली जाती है
और उसके बाद गाड़ियां रजिस्टर हो जाती हैं, यानी कि कोई पाकिस्तान में गाड़ी रजिस्टर होती है वो एक्साइज के दफ्तर में नहीं जाती। और जब हमने यही सुना है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो सबसे ज़्यादा जिन मिनिस्ट्रियों की डिमांड होती है उनमें एक्साइज मिनिस्ट्री होती है सबसे ज़्यादा, ये ल्यूक्रेटिव समझी जाती है। एग्जैक्टली, और यही ये जो काबली गाड़ियाँ और ये जो पैसा हवाले के थ्रू जाके गाड़ियाँ आ रही हैं, ये जो है आपकी अंडरग्राउंड इकॉनमी, ब्लैक इकॉनमी जो, और ये है वो हमारी जो माफिया है, जो सरकारी माफिया है, जो इसको सहल बनाने की कोशिश नहीं करती, इसको इस्तेमाल करने की, इसको फ़ायदेमंद रेवेन्यू के लिए बेहतर बनाने की, इस किस्म के दरवाजे छोड़ती है 250-300% करके, ताकि ये रास्ते खुले रहे और फिर जाहिर है कि ये काला धंधा जो है उसको फ़रोग हो, उनका भी फ़ायदा हो और फिर सारा काला सरमाया भी इसमें लग जाए और फिर सबके बारे में आ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आज 2012 का लैंड क्रूज़र अगर किसी को मंगाना है तो उसकी जापान में कीमत है 40 लाख पाकिस्तानी, और ड्यूटी के साथ वो 1,10,00,000 का पड़ता है, यानी 70 लाख रुपए, 40 लाख की गाड़ी में 70 लाख रुपए जब आप ड्यूटी रखेंगे, पुरानी गाड़ी, वो भी पुरानी गाड़ी। अब उसमें क्या होता है कि जिस एक शख्स के पास ब्लैक मनी है वो क्या करता है, अपने पैसे को बैंक में महफूज नहीं समझता क्योंकि कल को उसको FBI पकड़ सकता, वो क्या करता है 1,10,00,000 की गाड़ी अनरजिस्टर्ड चलाता रहता है, ना वो किसी सरकारी खाते में आता है और वो उसको पता है उसके नीचे 1,10,00,000 है, या घर पर खड़ी कर देता है तो उसका ब्लैक का पैसा, करप्शन का पैसा कह लें या जो चोरी का पैसा, उसको जो है कोई छुपाने की जरूरत नहीं है, वो गाड़ी की शक्ल में घर पे खड़ी कर देता है। अब जब वो रजिस्टर नहीं होगी तो किसी को क्या पता कि उसके पास कितनी मालियत का जखीरा घर पे खड़ा हुआ है। तो ये हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे कारोबार ऐसे जो है पॉलिसी की आड़ में जो है खोल के जो है करप्शन को जो है जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से दफनाया हुआ, जैसे प्रॉपर्टी भी एक एग्जांपल थी, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 10 लाख में रजिस्टर होती थी तो लोग धड़ाधड़ प्रॉपर्टी ले रहे थे, जब से FBR ने वैल्यूएशन चेंज किए तो अब प्रॉपर्टी का कारोबार बैठ गया। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम टैक्स किया जाए, और कम से कम टैक्स किया जाए ताकि जो है आम आदमी उसकी एक तो पहुँच भी हो सके और दूसरा हुकूमत को डॉक्यूमेंटेशन होगी। गवर्नमेंट, आपने देखें गवर्नमेंट ने पैसा बना, ये तो अभी तो वो ज़माना है जब नई रेगुलेटरी ड्यूटीज़ लग रही हैं, खसूसी तौर पे मजीद ड्यूटीज़ लगाई जा रही है, मजीद टैक्सेस, क्योंकि हमारे पास तो है ही नहीं कुछ देने के लिए और इम्पोर्ट्स को किसी सूरत में रोकना है। नहीं, अब वो इम्पोर्ट कहाँ रुकती है कामरान साहब, अब ये देखें ना कि 60,000 अगर आप मुल्क में ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो लोगों को चाहे चोरी करके भी लेनी हो वो गाड़ी खरीदेंगे क्योंकि वो कैसे करेंगे। तो आप जितनी भी ड्यूटी, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ गवर्नमेंट 150% से 300% के करीब चली गई है, लेकिन हर साल हजम बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब मुजम्मिल असलम हमारे साथ है। कमर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं एक बार फिर वकला बरादरी का, आज सर शर्मंदी से झुकना चाहिए, जो लाहौर, जो मुल्तान में आज हुआ है, होता आ रहा है, एक बार फिर हुआ है, अदालतों पे हमला कर दिया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे वकला ने जब हमला कर दिया, ईंटें, डंडे, पत्थर बरसाए, तमाम इमारत तबाह बर्बाद कर दी वकीलों ने अपने हाथ से, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्त के बाद। मुल्क की वकला बरादरी के लिए आज एक बार फिर शर्मिंदगी का सामान इकट्ठा हुआ, शर्मिंदगी का ये सामान इकट्ठा हुआ मुल्तान में, जहां एक बार फिर वकला तशद्दुद पर आमादा नजर आए। मुल्तान में आज डंडा बरदार वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, जहां पर अदालतें हैं, शदीद तोड़फोड़ की, अदालती फर्नीचर, खिड़कियाँ, दरवाजे, शीशे तबाह बर्बाद कर दिए। वकला मुल्तान के न्यू जुडिशल कॉम्प्लेक्स में सहूलियत की कमी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, और इसके दौरान इन बिफरे हुए वकला ने नौ तामीर शुदा, ये नई कचहरी की बिल्डिंग थी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही तोड़ फोड़ कर तबाह करके रख दिया, और वो मनाजिर देखने में आए कि आदमी सोचता रह गया कि ये पाकिस्तान के वकील हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये कानून पर अमल दरामद कराने वाले लोग हैं, ये कानून का तहफ्फुज़ करने वाले लोग हैं, और ये किस अंदाज से बिहेव कर रहे हैं, किस अंदाज से ये अदालतों पर हमला आवर हैं। इससे पहले भी अगस्त में ही मुल्तान के वकील आपे से बाहर हुए थे, जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली की शाह की सरबराही में 5 रुकनी फुल बेंच ने तौहीन अदालत केस में मुल्तान बार के सदर जमा कुरैशी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था। इस मौके पर भी वकला ने हाई कोर्ट के दरवाजे तोड़ दिए थे और कमरा अदालत के सामने धरना देकर शदीद नारेबाजी और पथराव किया था। लाहौर में वकला ने मॉल रोड पर शदीद हंगामाराई करके ट्रैफिक भी ब्लॉक कर दिया था। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने मुल्तान में वकला के तशद्दुद और इस आज के वाकयात पर अपने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तोड़ फोड़ करने वाले वकला के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मसाइल अपनी जगह, लेकिन बदतमीजी और तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये वाकया, आज का वाकया या मुल्तान में अब चंद दिन पहले का वाकया, ये कोई नए वाकया नहीं है या ये कोई अचानक होने वाले दो अलहदा वाकयात नहीं है, एक सीरीज ऑफ वाकयात हैं पंजाब में, इस्लामाबाद में, जब वकला बेकाबू हो जाते हैं, हमलावर होते हैं, पुलिस पे हमलावर हो जाते हैं, अदालत पे हमलावर हो जाते हैं, जजों को नहीं छोड़ते हैं, और ऐसी कैफियत है जिसको सोच के आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे वकला हैं, ये हमारे वो लोग हैं जिन्होंने कानून का तहफ्फुज करने की और कानून का अलम उठाने की कसम खाई है। जो आखिरी मनाजिर नाकाबिल यकीन मनाजिर आपने देखे, ये आज के हैं, जुडिशल कॉम्प्लेक्स के मनाजिर हैं। आज के वाकई की मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए मुल्तान जाएंगे, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ नुमान बाबर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नुमान बाबर साहब, ये बताइएगा ये क्या हुआ आज का वाकया जो हुआ है और किस अंदाज से, ये तो नई इमारत लगती है जिसको वकला ने तबाह बर्बाद कर दिया, तोड़ फोड़ अनबिलीवेबल मनाजिर थे ये। जी कामरान खान साहब, वकला कई रोज़ से सरापा एहतजाज थे न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स के हवाले से, क्योंकि वहाँ पर सहूलियात का फुकदान है। अभी तक वकला के चैम्बर्स नहीं बनाए गए, पार्किंग नहीं बनाई गई, उसके साथ साथ साइलिन को भी अभी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि न्यू जुडिशल कम्प्लेक्स जो है मुल्तान शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर की मुसाफत पर है, लेकिन तहाल स्पीडो बस या कोई और सर्विस यहाँ पर नहीं चलाई गई। लेकिन आज जो है वकला का जो एहतजाज था, पुरामन एहतजाज जो था वो इश्तहाल में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद वकला जो है लॉ मेकर से जो है लॉ ब्रेकर्स बने और उन्होंने अदालतों की ईंट से ईंट बजा दी, तोड़फोड़ की, न सिर्फ फर्नीचर तोड़ा बल्कि उसके साथ साथ सेशन कोर्ट के जो शीशे हैं वो भी तोड़ दिए। अब पूरा दिन यही सूरत हाल रहा, लेकिन ओवरऑल जो पुलिस वहां पर मौजूद जरूर थी, लेकिन पुलिस जो है वो वहां पर बेबस दिखाई दी, पुलिस ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की और यही सूरत हाल अभी तक है। अगरचे इस वाक्य को कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया, सेशन जज का वेट किया जा रहा है कि वो क्या डिसीजन पास करते हैं, उसके बाद ही कोई FIR जो है लॉन्च की जाएगी। तहम वकला बाजिद हैं, मुतालबा यही किया जा रहा है कि उनके चैम्बर्स बनाए जाएं, उसके बाद ही वकला अदालतों में पेश होंगे और एहतजाज का सिलसिला अभी भी जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नुमान बाबर हमारे साथ मौजूद थे, ये आपने आज के वाकयात देख लिए, अगर सहूलियात नहीं थी तो उसका ये रद्द अमल देखने में आया, तमाम माहौल पर बात करते हैं और इसके लिए वकला बरदरी के इंतहाई मोज़ज़ और काबिल एहतराम सीनियर साथी और पाकिस्तान के नामवर कानूनदान जनाब यासीन आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, एक बार फिर वकला इस अंदाज में तशद्दुद पे आमादा नज़र आए, अदालतों को तोड़ रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं और पहला वाकया नहीं है, क्यों आप लोग इस मामले में बेबस है आप जैसी मौजूद शख्सियात? कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आज का जिस मौजू पे आपने मुझे मौका दिया है, मैं इसके लिए इतना कहना पसंद करूंगा कि मेरा सर खुद शर्म से झुक गया आज के इंसिडेंट की वजह से। अब वकला बरादरी जो है पाकिस्तान की क्रीम है और कानून की हिफाजत करना, कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ फराहम करने में वकला को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन जिस तरह पर मुल्तान का पहला इंसिडेंट हुआ या मुल्तान का जो आज इंसिडेंट हुआ, मैं उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हुए एक बात कहता हूँ कि इस मुल्क में एक जो ट्रेंड चल गया, वो ट्रेंड के हर आदमी कानून को अपने हाथ में लेने लगा, कोई आदमी कानून की परवाह नहीं करता, हालांकि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में पाकिस्तान के वकला भी शामिल हैं,
मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को और वकला बरादरी को खुसूसन जो इस माशरे में पढ़ा लिखा तबका तसव्वुर किया जाता है उनको किसी भी सूरत में कानून का अपने आप नहीं लेना चाहिए। नज़ा साहब, एक और चीज़ जो बहुत ही दिल खराश है और बहुत ही तशवीशनाक है कि ऐसा माहौल बन गया है कि पुलिस की हिम्मत नहीं हुई कि वो बीच में आए, इनको ये ईंटें बरसाते हुए वकला को गिरफ्तार करे, उनके खिलाफ पर्चा तक नहीं हुआ है, FIR तक दर्ज नहीं हुई है। ये जो कानून की बेबसी और बेचारगी इस वक्त हमारे यहाँ नज़र आ रही है, एक बड़ी भयानक मिसाल है। आज मुल्तान में वकला तशद्दुद पे आमादा हैं, कोर्टों को तोड़ रहे हैं, ईंटें बरसा रहे हैं, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है, हिम्मत नहीं है कि वो आए और अदालतों को बचाए इन ईंटें बरसाते हुए लोगों से। ये बहुत बुरा हाल है ना सर। सर, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए इस बात में इजाफा करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि लाकानूनियत का जो एक सिलसिला हमारे पाकिस्तान में चला है, क्या ये एक एक्शन सिर्फ पाकिस्तान के वकला कर रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदान भी बराबर में इसके शरीक हैं। जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, जो कुछ धरनों के दौरान हुआ, जिस तरह PTV पे हमला किया गया, जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला किया गया, हमारे उन लोगों ने हमले किए जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। इसी तरह वकला बरादरी के मतलब मैं ये कहता हूँ कि वकला की जिम्मेदारी ये हरगिज़ नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में लें। उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि अगर कोई शिकायत थी उनको अपने हाई लेवल पे मज़ाकरात करने चाहिए थे, अनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मज़ाकरात करने चाहिए थे, और मज़ाकरात करने के बाद अगर कोई बात नहीं है तो प्रोटेस्ट करने का जो तरीक़ाकार वकला बरादरी ने मुल्तान में अडाप्ट किया, जो इससे पहले किया था, जो आज किया, मैंने पहले कहा कि मैं इसको पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि कानून में हाथ में लेने के लिए वकला बरादरी को भी रोका जाना ज़रूरी है, और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में कोई भी आदमी अगर कानून की खिलाफवर्जी करता है तो हमारी बेसिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन बदकिस्मती से, मैं एक बात बार बार रिपीट करता हूं कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया कि 3,000-4,000 आदमी जब भी चाहे पूरी हुकूमत को दहशतगर्दी के लपेट में ले लेता है। और जब आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियों की बात करते हैं कि वो एक्शन क्यों नहीं करते, तो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसियां जब कोई अमल करने की कोशिश करती हैं, कानून को मनवाने की कोशिश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि उन पे वापस अटैक हो जाता है, उनको मारा जाता है और बाद में उन्हीं पे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। दुनिया में किसी भी कानून में ये बात नहीं है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जब कानून के रिट को कायम करने के लिए कोई एक्शन करें तो उन्हीं के खिलाफ FIR काटी जाए। और इसीलिए आज मुल्तान में हमने देखा कि पुलिस देख रही थी कि अदालतों पे ईंटें उठाए हुए, पत्थर उठाए हुए, डंडे उठाए हुए ये लोग जो कि वकला थे, हमला आवर थे, मगर पुलिस ने बीच में आने की ज़हमत नहीं की। और हम समझ सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। आज अदालतों पे इस बड़े हमले की कोई FIR दर्ज नहीं हुई, कम से कम जब हम ये आपके सामने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और जनाब यासीन आज़ाद साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहते हैं, हमने इस मुल्क में ये रविश बना ली है, हमने इस मुल्क में इस अंदाज को अपना लिया है कि तशद्दुद के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए अपनी बात को मनवाया जाए और रियासत उसके सामने घुटने टेके। और जनाब यासीन आज़ाद ने वो मिसाल दी जो कि हम तारीख में कई बार सुनते जाएंगे कि इस्लामाबाद के धरने के दौरान हमने ऐसा ही किया है और इस रविश को फ़रोग देने की एक बहुत बड़ी एक मिसाल कायम कर दी है। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस्लामाबाद में हुकूमत में कलीदी नौयत की फैसला साजी का अमल इस वक्त मुंजमद हालत में नज़र आता है। बड़े कलीदी फैसले होने मुश्किल नज़र आते हैं, अहम तरीन उमूर में अहकामात के इंतज़ार रहता है कि लंदन से क्या हुक्म आता है। और ये कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त भी हुकूमत में भी और पार्टी के भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम अहम फैसलों की जिम्मेदारी जनाब नवाज शरीफ के पास है और जनाब नवाज शरीफ ही ये तमाम अहम फैसले लेते हैं, और अगर इन फैसलों में ताखीर हो जाए तो फिर इसकी जिम्मेदारी
ذمہ داری بہرحال اس وقت حکومت کی ہے، لیکن اس کیفیت کی وجہ سے فیصلہ سازی ایک شدید مسئلے کا شکار ہے، جمود کا شکار ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ جناب وزیراعظم شاہد خاقان عباسی یقینی طور پہ وزیراعظم ہیں، لیکن اہم فیصلوں میں صرف ان کی مہر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے مجموعی طور پہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے حکومت کے اگلے 7 مہینے سروائیو کرنے کے جو سچویشن ہے اس میں کافی خطرہ نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے کافی ابہام نظر آ رہا ہے، اس کو واضح تھریٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ بہت اہم فیصلے جن کا تعلق ہے اس بات کا کہ حکومت چلتی رہے، اسمبلیز چلتی رہے، الیکشنز اپنے وقت پر ہو جائے، یہ تمام معاملات اس وقت رکاوٹوں کا شکار ہے اور شدید رکاوٹوں کا شکار ہے۔ 3 بار حکومت اعلان کر چکی ہے کہ فاٹا اصلاحات کا بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا، اور وہ اعلان کے باوجود پیش نہیں ہو سکا، جبکہ آج بھی قومی اسمبلی میں کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس پر تمام سیاسی بڑی جماعتوں کا اتفاق رائے ہے، مگر حکومت اچانک اس پیر سے پچھلے 2 دن کے دوران پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اپوزیشن فاٹا ایشو پر اسمبلی کے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر چکی ہے، جبکہ جماعت اسلامی نے کل ہی 3 روزہ لانگ مارچ کے اختتام پر 31 دسمبر سے اسلام آباد میں لمبے دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ اس کے لیے وہ تمام قبائل کو لے کے آئیں گے اور اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ یہ بہت بڑا طوفان ہے جو کھڑا ہو رہا ہے، اور حکومت ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا اس پورے معاملے کو جناب مولانا فضل الرحمان کی خواہش پہ بھیڑ کی بھیڑ چڑھا دیا جائے۔ ایک اور انتہائی اہم معاملہ نئی حلقہ بندیوں پر 24ویں آئینی ترمیم کا ہے، جو 1 ماہ قبل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، لیکن حکومت کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے سینٹ میں اٹکا ہوا ہے، اور یہ ہم بہت وسوخ سے کہہ سکتے ہیں، یہ غیر سنجیدگی کی وجہ یہ ہے کہ اگر جو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلے ہو گئے ہیں اس پر عمل درآمد ٹھوس انداز میں ہوتا ہوا نظر آتا تو شاید وہ جمود جو اس وقت سینٹ میں ہے، اور جہاں پر یہ خطرہ ہے کہ اگر یہ ترمیم پاس نہیں ہوتی تو وقت پر الیکشن نہیں ہوں گے، وہ خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں بہرحال حکومت کی کانٹریبیوشن ضرور ہے۔ سینٹ کے پچھلے کئی اجلاس میں حکومتی سینیٹرز ایوان میں غیر حاضر نظر آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو ایک مستعد ایفرٹ ہوتی ہے حکومت کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی اور حزب اختلاف کی دوسری جماعتوں کو انگیج کرنے کی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہے اور اس کے ٹھوس ثبوت نظر نہیں آ رہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے 2 اجلاسوں میں جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ معیشت کا ہے، جہاں پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 3 دن میں پاکستان کے روپے کی قدر میں تقریباً 5% گراوٹ آ چکی ہے، پاکستان کی سٹاک مارکیٹ مسلسل گرتی چلی جا رہی ہے۔ وہاں پر بھی ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 18,000 اس وقت پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ پوری صورتحال انتہائی دگرگو ہے، پاکستان کا بجٹ کا خسارہ، مالیاتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، پاکستان میں روپے کی قدر کم ہونے سے اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز کم بڑھ جانے کی وجہ سے یہ یقینی ہے بات کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ زبردست مہنگائی آئے گی، اور اس پورے انتہائی چیلنجنگ ماحول میں پاکستان کے پہلے تو 4 مہینے تک غیر فعال رہنے والے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار غیر فعال رہے، اور اب انہیں 3 مہینے کی چھٹی دے دی گئی ہے، اور یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے کہ کس طرح سے اگر فیصلہ سازی مکمل طور پہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے ہاتھ میں ہے تو آج کے دور میں وہ اپنے وزیر خزانہ کو 3 مہینے کی چھٹی وہ کیسے دے سکتے ہیں، کیسے وہ الاؤ کر سکتے ہیں کہ وہ 3 مہینے کی چھٹی پہ چلے جائے۔ اطلاعات یہ بتاتی ہیں اور مصدقہ اطلاعات یہ بتاتی ہیں کہ اس وقت بھی فیصلہ سازی کا اہم ذریعہ منبع جو وہ ہے وہ یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب نواز شریف کے پاس ہے، اور ان فیصلوں کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے اور جو اس کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے، وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری جناب فواد حسن فواد کے ذریعے ہوتی ہے۔ جناب فواد حسن فواد ہی 4.25 سال تک جناب نواز شریف کے بھی پرنسپل سیکرٹری رہے تھے، اب بھی وہ وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی کے پرنسپل سیکرٹری ہیں، اور اطلاعات یہی کہتی ہے کہ اس وقت بھی جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اس پہ جو عمل درآمد ہوتا ہے، ایکسیکیوشن ہوتی ہے،
उसकी जो कम्युनिकेशन होती है लंदन से, वह फवाद हुसैन फवाद को ही होती है, और फवाद हुसैन फवाद के जरिए ही ये मामलात फिर वजीर आजम तक पहुंचते हैं और फिर उन पर अमल दरामद होता है। इस पूरी सूरत हाल ने उस जबूत को जन्म दिया है जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में नजर आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा खतरा खुद हुकूमत को है कि उसके सर्वाइवल के लिहाज से, असेंबलीज के सर्वाइवल के लिहाज से, ऑपोजिशन के बढ़ते हुए दबाव के पूरे इस माहौल के अंदर हुकूमत का बचना संभलना, इन असेंबलीज का मुसलसल जारी रखना वो बहुत ही कठिन अमल लगता है। ये किसी दिन की भी बात है कि हिजब इख्तलाफ की जमातें अपने तमाम के तमाम मिल के अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें, असेंबली से इस्तीफ़ा दे दें, नए धरने सामने आए, जिन धरनों के नतीजे में जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत शदीद खतरे में पड़ जाए, और ये सारा माहौल आइंदा चंद हफ्तों में देखने में आएगा। और उसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जनाब नवाज शरीफ के जाने के बाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब नवाज शरीफ के रुख्सत होने के बाद अब दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, और उसकी फैसला साजी का अमल एक शदीद मुश्किल का शिकार हो गया है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, और इसके लिए हमने दावत दी है पाकिस्तान के वजीर दाखला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतहाई अहम शख्सियत और मौजूद सियासतदान हैं हमारे जनाब एहसन इकबाल, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, माफ़ कीजिएगा ऐसी तस्वीर कशी हमें करनी पड़ी, हालात बहरहाल ऐसे हैं। अब मुझे यकीन है कि आप कहेंगे कि नहीं ऐसे हालात नहीं हैं, उसकी दलीलें दीजिए ना कि ऐसे हालात नहीं हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, मैं तो आपके इब्तदाइया सुन के ज़रा थोड़ा चौंक भी गया और परेशान हो गया कि एक बड़ी आपने जिसे कहते हैं कि चौंका देने वाली तस्वीर कशी की है। ऐसी बात नहीं, अभी चंद रोज़ पहले मूडीज़ जो कि दुनिया का एक सबसे काबिल एतबार इदारा है जो मईशतों के ऊपर अपना राय देता है और जिसने अमरीका तक की मईशत को डाउनग्रेड किया, उसने पाकिस्तान की मईशत की जो स्टेबल पोजिशन है उसको बरकरार रखा है, और कोई ऐसा फौरी बहरान पाकिस्तान में उन्होंने उसकी पेशबंदी या फोरकास्ट नहीं की जिससे कि पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया जाए, और उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि शॉर्ट टर्म में कुछ चैलेंजेस हैं लेकिन जो ग्रोथ मोमेंटम है मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसमें पाकिस्तान बहुत स्टेबल है और ठीक है। सर देखिए माशाल्लाह आप मईशत को, बिजनेस को, कारोबार को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को मुझसे ज़्यादा समझते हैं, यकीनी तौर पे ज़्यादा समझते हैं, लेकिन ये पाँच दिन में ये भी हुआ है ना, पाकिस्तान के रुपए की कदर दुनिया में सबसे ज़्यादा कम होने वाली करेंसी है पाकिस्तान, 5% कम हुई है, हमारी स्टॉक मार्केट मेल डाउन का शिकार है, हमारे पास जो डेफिसिट के क्राइसिस है वो बढ़ता चला जा रहा है, ये सब कुछ अभी हो रहा है ना सर। जी मैं आपसे अर्ज करूँ ना, देखिए आपको मालूम है कि आपके प्रोग्राम में भी और कई और प्रोग्रामों में कई माहरीन थे जो आजकल थोड़ी तनकीद कर रहे हैं, वो मुसलसल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के रुपए की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट हो चुकी है और उससे हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर असरअंदाज हो रहा है और दबाव पड़ रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इम्पोर्ट जो है वो उसमें सरासर इजाफा हो रहा है, और ये बहुत बात को कह रहे थे काफ़ी अरसे से कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट की मार्केट के लिहाज से रुपए को ज़रूरत है, और आज जब वो थोड़ी स्टेट बैंक ने एडजस्टमेंट अलाउ की है तो वही माहरीन नाकदीन बन के कह रहे हैं कि ये एडजस्टमेंट क्यों की गई है, इसमें कोई इतनी ज़्यादा रुपए की कीमत में कमी नहीं हुई कि जिससे कोई बहुत ही हमारे डिस्टॉर्शन पैदा हो जाए, ये एक मामूली एडजस्टमेंट है जो स्टेट बैंक ने अलाउ की है। इसके साथ ये कुछ असर आएगा, इम्पोर्ट्स का रुझान कम होगा और एक्सपोर्ट के लिए कुछ थोड़ी सी स्पेस मिलेगी हमारे एक्सपोर्टर। ऐसे नवाज साहब मईशत के पैरा से बाहर आते हैं, ये फाटा का मामला तो इस हद तक तय हो गया था कि आपने ऐलान कर दिया था कि पीर को हम इसका जो रेलेवेंट बिल है वो कौमी असम्बली में पेश कर देंगे, लोगों ने इत्मीनान का सांस लिया कि चलो अब गाड़ी चल गई, अब ये मसला हल हो जाएगा। अचानक आपने उस दिन पेश नहीं किया, उसके बाद अब इसको एजेंडे से भी निकाल दिया, अब पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जो इस बात पे एग्री कर रही थी अब अगर वो एहतजाज कर रही हैं, वो धरनों की बात कर रही हैं, आपके पास जवाब नहीं है, तो ये अदम फैसला साजी और ये फैसले में जमूद साजी की ही एक मिसाल है ना। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान के हंसते बसते मुस्तहकम निज़ाम को
غیر مستحکم کیا گیا ہے۔ 2017 کے شروع میں جب پاکستان کی اٹھان تھی تو انتہائی استحکام کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے تھے اور تمام دنیا بہت پر امید تھی کہ ہم بہت اچھے حالات سے 2018 کے انتخابات سے بھی انشاءاللہ گزر جائیں گے۔ تو یہ مین میڈ کرائسس ہے، یہ فرمائشی پروگرام ہے جو ایک مقبول وزیر اعظم اور ایک مقبول حکومت کو پنکچر کرنے کے لیے امپوز کیا گیا ہے۔ اور جب بھی آپ سر سوال، میں تو آپ سے فاٹا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے ڈیسائیڈ کر کے اس کو وڈرا کر لیا، اس پہ یو ٹرن لے لیا، اصل سوال تو یہ ہے۔ فاٹا کے بارے میں بھی جی میں آپ کو فاٹا کے بارے میں بھی بتاؤں، دیکھیے یہ ہماری حکومت کا کریڈٹ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک اتفاق رائے پیدا کیا اور ایک پیکج بنایا اور یہ تاریخی فیصلہ کیا کہ ہم نے فاٹا کے عوام کو ان کا بنیادی حق دینا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے یہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اور یہ اپوزیشن جماعتیں جو آج کل بہت شور مچا رہی ہیں یہ اسی وجہ سے کر رہی ہیں کہ یہ آخر میں کریڈٹ کے اندر شریک ہونا چاہتی ہیں۔ ہماری صرف جو تھوڑا سا رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو اس حوالے سے دو رائے ہیں ان کو پولیٹیکلی یکجا کر دیں تاکہ کسی قسم کی اس پیکج کے نافذ ہونے کے بعد کوئی نیا بحران نہ پیدا ہو، اور اس کے لیے ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ کنسلٹیشن کر رہے ہیں۔ فرائیڈے کو پرائم منسٹر نے تمام پارلیمانی قیادت کو بلا رکھا ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کے اندر ہم اس کا حل نکال لیں گے۔ ہماری حکومت کی کمٹمنٹ ہے فاٹا کے لوگوں کے ساتھ، یہ ہم ہی نے پیکج بنایا ہے۔ نہ صرف ہم نے فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے بلکہ نواز شریف صاحب نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے بھی کمٹمنٹ کی تھی، اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ پورا کریں گے کہ ان کے لیے بھی پیکج بنائیں گے تاکہ ان کو بھی کوئی بنیادی حقوق ملے۔ یہ تو ابھی بہرحال اس پہ تو فیصلہ ہو چکا تھا، پیر کو یہ بل آنا تھا، یہ نہیں ہوا۔ دوسری چیز وہ ہے جس کا براہ راست تعلق الیکشن سے ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک تو پہلے سینسس لیٹ ہوئے اور وہ سینسس بھی سپریم کورٹ نے بہرحال کرائے، اس کے بعد اس کی ٹیبولیشن میں مسائل آ گئے، وہ اتنے دیر ہو گئی ہے۔ اب یہ بالکل ٹچ اینڈ گو والا معاملہ ہے، اور اس پورے ماحول کے اندر یہ سی سی آئی میں فیصلے ہو گئے، اب اس پہ عمل درآمد ہوگا، وہ چیزیں نظر آئیں گی، تو پھر بات آگے بڑھے گی۔ اور یہ اگر امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، اور پھر وہ تمام باتیں جو ہو رہی ہیں کہ پھر ایک طویل مدتی عبوری حکومت آئے گی، اور پھر ہم ہوں گے اور وہ عبوری مدتی حکومت ہوگی، آپ لوگ نہیں ہوں گے، تو یہ تو بہت ہی سیریس تھریٹ ہے۔ اس کو تو گھنٹوں کے اندر حل ہونا ہے، مگر یہ نہیں ہو رہا ہے۔ جی دیکھیے، آپ نے جو پہلی بات کی تھی اس میں ایک چیز اضافہ میں کروں گا کہ ہم نے بل اس لیے وڈرا کیا، جیسے میں نے ابھی کہا کہ فرائیڈے کو پرائم منسٹر نے تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے لیڈرز کو بلا رکھا ہے فاٹا کے حوالے سے، تو اگر آج ہم وہ بل لے کر دیتے تو اس سے وہ میٹنگ ہو سکتا ہے کہ اس پہ کچھ اعتراضات ہوتے، تو اس میٹنگ کے بعد انشاءاللہ جو لائے عمل بنے گا اس کے مطابق ہم کر دیں گے۔ اب یہ جو آپ نے مردم شماری اور حلقہ بندی کی بات کی، دیکھیے کتنی دلچسپ صورتحال ہے کہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر ایک اور پیپلز پارٹی ہے، سینٹ کے اندر ایک اور پیپلز پارٹی ہے، قومی اسمبلی میں ایک اور پی ٹی آئی ہے، سینٹ کے اندر ایک اور پی ٹی آئی ہے۔ ان دونوں جماعتوں نے قومی اسمبلی میں مردم شماری کا جو بل تھا اس کے اوپر حلقہ بندی کرنے کے لیے اس کو ووٹ دیا، اور دو تہائی اکثریت سے ہمارے ساتھ مل کے پاس کیا۔ اب سینٹ کے اندر جو کوئی خدشات انہوں نے گئے ان کو بھی سی سی آئی کا ہم نے فوراً اجلاس بلایا، اور ان کا جو مطالبہ تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جو جس نے کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے کہ نیشنل اسمبلی میں ووٹ دے دیا، یہ وہ پیپلز پارٹی تھی جو اسے سی سی آئی کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اس کی بنیاد پر اس نے ووٹ دے دیا۔ اب جو پیپلز پارٹی سینٹ میں نہیں دے رہی، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ جو سی سی آئی کے اندر آپ نے انڈرسٹینڈنگ دی تھی اس پہ کہیں اس کو عمل درآمد کی کوئی رمق نظر نہیں آ رہی، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، تو انہوں نے وہ ووٹ روک لیا ہے۔ کامران صاحب، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب انہوں نے قومی اسمبلی میں ووٹ دیا تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی کہ فوری طور پہ سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے گا، اور جو 1% آڈٹ کی شرط ہے اس کو 5% آڈٹ میں تبدیل کیا جائے گا۔ حکومت نے قومی اسمبلی سے اس بل کی منظوری کے فوراً بعد ایک ہفتے کے اندر تقریباً سی سی آئی کا اجلاس بلایا، اور اس کے اندر جو آڈٹ کی شرح تھی اس کو 1% سے طے شدہ 5% پہ منظور کر دیا، جس کے اوپر جو شماریات کا ادارہ ہے اب وہ کام کر رہا ہے، 5% کا آڈٹ ہوگا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ البتہ جو ایک اطلاع ہے، پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ اس کی نگرانی بین الاقوامی ماہرین سے کرائی جائے،
چونکہ سینسس بڑا پروپرائٹری ڈیٹا ہوتا ہے کسی ملک کا، اس کے حوالے سے کچھ ایسی سیکیورٹی خدشات بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ نے جو بلاکس کو چننا ہے وہ رینڈملی چننا ہے، اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ حساس علاقے بھی ہوں، کچھ آپ کے کنٹونمنٹ کے علاقے بھی ہوں۔ تو ہماری یہ رائے ہے کہ اس آڈٹ کو پاکستانی ماہرین کے ذریعے کرایا جانا چاہیے، بجائے یہ کہ غیر ملکی ماہرین اس میں شامل کیے جائیں۔ اچھا سر، ال صاحب یہ بتائیے گا، یہ پریشرز اکانومی میں، یہ پریشرز پوری بزنس انوائرمنٹ میں، یہ پریشرز ہماری اس صورتحال میں، کیا واقعی یہ اس میں آپ کو سینس نظر آتا ہے کہ پہلے تو وزیر خزانہ صاحب 4 مہینے تک بالکل غیر فعال رہے، اب انہوں نے 3 مہینے کی چھٹی کی درخواست دی تو ان کو 3 مہینے کی چھٹی کی درخواست دے دی گئی، کیا پاکستان اور آپ کی حکومت افورڈ کر سکتی ہے اس وقت کہ پاکستان کا وزیر خزانہ جو ہے وہ اب اس صورتحال میں 3 مہینے کی چھٹی پر ہے؟ دیکھیے، اس وقت میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں کہ بہت ضروری تھا کہ وہ وزیر خزانہ جس نے 4 سال پاکستان کی معیشت کو تباہی سے سٹیبلائزیشن پہ سٹیئر کیا، اس کو فلی فنکشنل ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کا کیا حشر کیا اور ان کے ساتھ کیا ذلت آمیز سلوک ہو رہا ہے، لیکن اس کی صحت کی بنا پہ انہیں جانا پڑا اور وہ علاج کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ بات آپ کو رسپانسبلٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود اپنے پاس پورٹ فولیو رکھا ہے اور وہ اس کو بہت وقت دے رہے ہیں اور اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم جو شاہد خاقان عباسی ہیں وہ بہت گہری انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اکنامک ایشوز کی، اور اس لیے فائنانس کا پورٹ فولیو از ان ویری سیف ہینڈز۔ اور یہ جو اطلاعات ہیں کہ ایکچولی جو وزیر اعظم ہاؤس کی فیصلہ سازی ہے وہ منقسم ہے، کیونکہ کلیدی اور اہم فیصلے جو ہیں وہ اب بھی جناب نواز شریف نہیں کرنے ہوتے ہیں یا ان سے اس کی کلیئرنس لینی ہوتی ہے، اور جو پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد ہیں وہ اس وقت دوہرا کام کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے بھی پرنسپل سیکرٹری ہیں اور اب بھی وہ کنٹینیو کر رہے ہیں ڈی فیکٹو پرنسپل سیکرٹری ٹو جناب نواز شریف، اور یہ بھی ایک بہت بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ اتھارٹی جو ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا مینڈیٹ نواز شریف صاحب کو قوم نے دیا تھا اور ایک مصنوعی طریقے سے انہیں اقتدار سے علیحدہ کیا گیا ہے، اور آج بھی پاکستان کے عوام کی توقعات نواز شریف صاحب سے ہیں، اور نواز شریف صاحب کل کو عوام کی عدالت میں جواب دہ بھی ہوں گے، وہ پارٹی کے سربراہ بھی ہیں۔ جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے ہمیشہ وہی فیصلہ سازی کے اندر مرکزی کردار ادا کرتا ہے، تو اس لیے ہم اگر یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب وہ ایک بالکل معطل سسپینڈڈ چیز ہو کے ایک سائڈ پہ بیکار ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ آج بھی پاکستان کے اندر جو بھی پبلک اوپینین پولز ہیں اس میں وہ سب سے پاپولر لیڈر ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی اصل طاقت ہیں، اور ان کی فیصلہ سازی میں گائیڈنس اور ان کا جو تجربہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے جس کا ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے وہ سربراہ کی حیثیت سے مجاز بھی ہیں کہ وہ پالیسی گائیڈ لائن دے سکیں۔ احسن اقبال صاحب، ایک بہت اہم معاملہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ہم ابھی گفتگو مسلسل کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق نے آج ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ اسمبلیز اپنی مدت پوری کریں گی۔ میں آپ کو پہلے ان کی بات سنا دیتا ہوں، پھر ہم آپ سے اس قسط پہ تبصرہ چاہیں گے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں نے 2000 میں بھی نہیں دیکھا، 2008 میں بھی نہیں دیکھا، میں جو اب دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ مختلف کیا ہے اس بار؟ وہ ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ کیا آپ کو پسند نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، پچھلے 2-3 مہینے میں جو کچھ ہوا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی؟ اللہ کرے، انشاءاللہ کرے گی، مگر مجھے نہیں لگتا۔ اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق کہتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ اسمبلیز اپنی مدت پوری نہیں کریں گی۔ یہ وہ گفتگو ہے جو ہم پورے پاکستان میں آپ بہت زیادہ سن رہے ہیں کہ یہ اسمبلیز ختم ہونے والی ہیں، طویل مدتی بری حکومت آنے والی ہے، اور یہی ماحول ہے جس پہ ابھی میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ اسپیکر صاحب کا بھی یہ خیال کہ اسمبلیز مدت پوری نہیں کریں گی، آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اس وقت یقیناً کچھ ایسے قرائن ہیں جو لگتا ہے کہ اس موجودہ نظام کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہیں۔ اس میں جس طریقے سے یہ دھرنا ہوا،
उसके बाद आप देखते हैं कि जिस तरीके से मर्दम शुमारी के हवाले से जो कानून साजी होनी है उसको सेनेट के अंदर रोका गया, जिस अंदाज में हमारी पार्टी के लोगों को फ़ोन करके रोकने की कोशिश की गई कि वो वोट करें, और जिस अंदाज में एकदम तायरुल कादरी साहब को सियासत का एक मरकज़ बना के कभी जरदारी साहब से सलाम कराया जा रहा है, कभी मुस्तफ़ा कमाल साहब से सलाम कराया जा रहा है, कभी इमरान खान उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं, ये सब मसनूई बहरान हैं जिनका मकसद ये है कि सेनेट के इलेक्शन को सेबोताज किया जाए, जिनका मकसद ये है कि इस हकूमत को इलेक्शनों से पहले थोड़ा कमज़ोर किया जाए ताकि अगले इलेक्शन के अंदर कोई मजबूत हकूमत ना आए, एक हंग पार्लियामेंट आए और जिसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ के बाद या बहुत ज़्यादा लेन देन के बाद हकूमत कायम करने का मौका मिले। पाकिस्तान के अवाम ये स्कीम कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एहसन इकबाल हमारे साथ थे। कवर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे उस मामले की जिसकी वजह से लगता यह है कि इलेक्शन तातुल का शिकार हो जाएंगे, टूल खेच जाएंगे, वाजे और भरपूर इम्कानात बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद होगा ये कि एक तवील मुद्दती उबूरी हुकूमत आ सकती है, और इसके बाद होगा ये कि इस दौरान सियासी जमातें हमसे दूर हो जाएंगी, हम होंगे और ये उबूरी हुकूमत होगी। शायद कुछ पाकिस्तानी सोचें कि सियासतदानों की चप्पलिश जंग और ये तमाम सियासतदानों को आराम करने का मौका मिल गया। पता नहीं कितने तवील अरसे का ये आराम होगा, मगर ये सारी सूरत हाल जो पैदा हो रही है इसकी जिम्मेदार महज हिजब इख्तलाफ नहीं है, हुकूमत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी जिम्मेदारी है इस पूरी सूरत हाल। एक बार फिर आपको बता दें कि इलेक्शन वक्त पे हो, इसके लिए इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई बात नहीं है कि मर्दम शुमारी के बाद उबूरी नतज पर इलेक्शन कराने के लिए 24वीं आइनी तरमीम का बिल सेनेट से पास हो जाए, लेकिन ये होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि इलेक्शन अल्तवा का शिकार हो रहे हैं, होते नज़र आ रहे हैं, और एक तवील मुद्दती उबूरी हुकूमत होराइजन पे उफक में नज़र आ रही है। इसकी बड़ी वजह जो है वो इससे पहले ये लगता था कि शायद पीपल्स पार्टी इसकी बुनियादी वजह हो, लेकिन अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि हुकूमती रवैया भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि सेनेट में हुकूमती बेंचों की जानिब से बिल पास करने की कोई ख़ास दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि मर्दमशुमारी के बाद जिन तहफ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने किया था, उसके बाद ये मामला पहुंचा था असेंबली में, और वहाँ से ये मामला जब पहुंचा था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, वहाँ के दो इजलास हुए जिसके बाद फैसला ये हुआ था कि अब 5% सैंपल्स लिए जाएंगे, उनका ऑडिट कराया जाएगा, और इसके बाद इस जब ये फैसला हो जाएगा तो इसके नतीजे में उबूरी जो मर्दमशुमारी के नतज है उसका आइनी तरमीमी बिल पास कर लिया जाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हो जाए, वह हल्का बंदियाँ शुरू कर दी जाए। ये सब कुछ हो गया, दो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग भी हो गई, वहाँ जहाँ हुकूमत इस वक्त ज़िम्मेदार करार पाती है वो ये कि इन मीटिंग्स के बाद जो अमली इकदाम हुकूमत ने करने थे वो उनमें से कोई इकदाम करती नज़र नहीं आ रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसने कि कौमी असम्बली में तो इस बिल को मंजूर कर लिया था, सेनेट में इसको मंजूर करने से वो किनारा कशी इख्तियार कर रही है। उसकी वजह यह है कि उन चीज़ों पर जो कि तय हो गई हैं उन पर अमल होना है, अमल होता दिखाई देना है, ठोस उसके सबूत सामने आने हैं, हुकूमत बावजूद वो नहीं कर रही है। इससे हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि हुकूमत की दिलचस्पी और सीरियसनेस इस मामले में उतनी नहीं है, और इस ख्याल को भी जन्म दे रही है ये बात कि शायद हुकूमत को इंटरेस्ट नहीं है कि इलेक्शन वक्त पे हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शायद इंटरेस्ट नहीं है, और पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातों को भी शायद इस मामले में कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नज़र नहीं आती। एक पूरा माहौल बनता नज़र आ रहा है जिसमें कि लगता यह है कि ये आइनी तरमीम नहीं होगी, क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि अगर ये आइनी तरमीम हो भी गई तो उबूरी नतज की बुनियाद पर हल्का बंदियों का फैसला, ये तरमीम जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हो जाएगी, गोया कि ये मामला बुरी तरह से फंस गया है। और पीपल्स पार्टी अगर कह रही है कि हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने वादों पर अमली इजहार करती, उस पर अमल करती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें बड़ा वजन भी है। सेंसस को नून लीग ने बहुत कंट्रोवर्शियल बनाया, इन सीरियस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए नून लीग ने एक कदम नहीं उठाया है। इसका मतलब है कि डिले करने वाले तो नून लीग ही थे। CCI के अंदर एक फैसला हुआ
और हमने नेशनल असेंबली के अंदर उस फैसले की तौसीख की और हम आगे बढ़े, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सवालात पैदा होते हैं कि आखिर थर्ड पार्टी कौन है, आखिर क्या तरीक़ेकार इस रिकाउंटिंग के लिए इख्तियार किया जा रहा है, क्या वही तरीक़ेकार इख्तियार किया जा रहा है डी जूरे जो कि पहले किया गया था और डिफेक्टो नहीं की जा रही। आपको तरीक़ा निकालना होगा कि इन आदादोशुमार को कैसे ठीक किया जाए। ये बहुत वैलिड सवाल है जनाब ताज हैदर का। हम मुसलसल इस प्रोग्राम में हुकूमत के लोगों को बुलाते हैं, PMLN के लोगों को बुलाते हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो हमें नहीं मिल रहा। इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तनहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, PMLN भी जिम्मेदार है। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ और मुस्तैद सैनिटर जनाब सैनिटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। कितना ये तो है, किसी की भी वजह है, आप नहीं कर रहे, PMLN कर रही है, आप दोनों मिलके कर रहे हैं, मगर इलेक्शन जो है वो डिले हो सकते हैं, बहुत बड़ा इसमें इशू आ सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। 1988 की सेंसस के बेस पे तो इलेक्शन नहीं हो सकते मांडवीवाला साहब, ये बात तो पक्की बात है। तो ये है अभी भी मामला बहुत अहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि इलेक्शन वक्त पर हों? मैं आपको एक बात बताऊँ, पीपल्स पार्टी कतई ये नहीं चाहती कि इलेक्शन डिले हो, ये गलत परसेप्शन लाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो मगर प्रॉपर इलेक्शन हो। और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, मैंने कुछ और चैनल्स पे भी सजेस्ट किया है, आप तीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर जो माने हुए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं उनको बुलाएं शो पे अपने और उनकी ओपिनियन लें। और कुछ तो हमारी सेनेट में है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स और रेनाउंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं जो कहते हैं दिस इज फ्लॉड लेजिस्लेशन। चले हम उस पर भी मान लेते हैं दिस इज फ्लॉड लेजिस्लेशन, उसके बावजूद आप क्या गारंटी करते हैं कि जो इश्यूज आपने रेज किए थे वो आप एड्रेस करेंगे? कोई इनकी कोई गारंटी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कामरान साहब। और दूसरा, आपको कौन रोक रहा है कि आप सेंसस रिजल्ट्स नोटिफाई ना करें? हम तो नहीं रोक रहे। और आपको मैं एक फनी चीज बताऊं, इनएबिलिटी क्या है? इनएबिलिटी ये है कि जी हमारे पास मैन पावर नहीं है। हम जनवरी में भी नोटिफाई कर सकते हैं, हम फरवरी में, यू विल हैव इनफ टाइम फॉर द इलेक्शंस। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जी आप नोटिफाई करना ही नहीं चाहते, आप प्रोविजनल पे इलेक्शन कराना चाहते हैं। यू आर कन्विंस्ड कि यही तरीका है कराने का, हम नोटिफाई कर ही नहीं सकते सेंसिस के रिजल्ट्स। हालांकि सबका इंटरेस्ट है, मगर आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो ये कहते हैं कि क्रिटिकल है कि इलेक्शन वक्त पर हो और एक और ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो, डेमोक्रेसी जो है उसका तसलसल जारी हो। अब चाहे कुछ भी माहौल है, आपके पार्टी के सरबरा तो ये कहते हैं कि उनके लिए, उनकी जमात के लिए ये क्रिटिकल है कि इलेक्शन वक्त पर हो, मगर ये पूरा माहौल तो कुछ और बता रहा है। कामरान साहब, बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा, चेयरमैन बिलावल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। मगर देखें, द पॉइंट इज़ कि आप करने क्या जा रहे हैं वो भी तो आप देखें ना। हम आपको एक चीज़ कह रहे हैं कि आप प्रॉपरली करें, आप नोटिफाई करें। आप देखें, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कल आप ये प्रोविजनल पास करेंगे, ये आपने शो पे नोट कर लें, ये अगर उसी नेक्स्ट वीक चैलेंज ना हो जाए कोर्ट के अंदर। आप देखें, 203 हमने पास किया, ज़बरदस्ती पास कराया, एक वोट से इन्होंने पास करवाया, क्या हुआ उसका हशर? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर दिया, आज सुप्रीम कोर्ट में अपील पड़ी हुई है। तो आप एक्चुअली क्या, आपको जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए उस पर कोई फोकस नहीं कर रहा। और आपको कहा क्या जा रहा है, हमारे पास मैन पावर नहीं है कि हम सेंसस नोटिफाई करें। आप मुझे बताएं कि आपके इतना बड़ा इशू बना हुआ है इस वक्त कि जी आप एक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, और इस वजह से कि आपके पास मैन पावर नहीं है कि आप नोटिफाई कर सकें सेंसस को, जो आपके लिए वाइटल है इस वक्त। अच्छा, मैं कहता हूं जब आप लाखों लोग इसमें, ये बताएं कि ये क्यों, ये क्या इतनी इस पे क्यों इतनी टकराव की जरूरत है कि अगर हम इलेक्शंस जो सेंसस है इसके रिजल्ट्स होने दें, फॉर्मुलेट टॉबलेट हो जाएं, सामने आ जाए, ऑफिशियली सामने आ जाए, थोड़ा सा वक्त लग जाता है, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो जाए, इलेक्शन थोड़े से डिले हो जाए, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट उसको इजाज़त दे दे कि वो थोड़ी लंबी अरसे की हो जाए और फिर उसके बाद इलेक्शंस हो जाएं, थोड़ा सा जितना भी इसमें टाइम लग जाए, जितने महीने लग जाए, चाहे साल डेढ़ साल दो साल लग जाए, तो इसमें कोई मज़ाक़ा है? उसके बाद इलेक्शन हो जाएंगे ना प्रॉपर, और बड़े बेहतरीन हो जाएंगे, और सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त देनी होगी कि वो केयर टेकर गवर्नमेंट को थोड़ा लंबा अरसा दे दे।
कामरान साहब देखें, उसकी तो ज़रूरत तब आएगी ना जब आप फेल हो जाएंगे। देखें ये तो काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है टू नोटिफाई द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन ऑफ द सेंसस, तो ये क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन मानवी साहब ये नोटिफाई जब होगा ना, जब ये टेबलेट हो जाए प्रॉपर तरीके से, ये बन जाए और ये हर लिहाज से सर्टिफाइड ये तैयार हो जाए ना, इसमें मगर टाइम लग रहा है ना, इसमें थोड़ी देर लग रही है, थोड़ी देर हो जाने देना, उसमें क्या है, फिर हो जाएंगे इलेक्शन। मगर फिलहाल तो ये मसला है ना, अगर हो सकता तो ये नोटिफाई हो जाते ना, ये कोई बहस ही नहीं होती। उसका जवाब ये मिल रहा है ना कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। आप मुझे बताएं, आप ये जवाब एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो ये तो देखें ना, ये तो कोई बात नहीं है। आप मुझे कोई और जवाब दें, मुझे कोई लीगल हिट समझाएं, मुझे कोई और जवाब दें। आप कह रहे हैं मेरे पास मैन पावर नहीं है इसलिए मैं नोटिफाई नहीं कर सकता। तो ये तो देखें, दिस इज प्योरली आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट, मैं तो बल्कि इसको इस तरह देखता हूं कि ये तो प्रोविजनल अमेंडमेंट की जा रही है इलेक्शन डिले करने के लिए। आई एम लुकिंग एट इट दिस वे कि भाई आप इतना बड़ा एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं जो कि सब कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर कह रहे हैं कि चैलेंज हो जाएगी, उसके बावजूद आप करने जा रहे हैं, और फिर कोई भी इस वक्त फोकस नहीं कर रहा कि जी आप इनको नोटिफाई करें ताकि कोई चैलेंज ना कर सके भाई। और देर इज इनफ टाइम टू होल्ड इलेक्शंस ऑन टाइम, कोई इशू नहीं है, मगर उस पर किसी का इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने ये देखा है, आज मैंने 2-3 सेनेटर से बात की, वो कहते हैं जी छोड़ें जी, वो देखा जाएगा जो होगा, कोर्ट्स को भले इसको अंडू करने दें। अरे भाई वाई, व्हेन यू हैव द राइट वे टू होल्ड इलेक्शंस ऑन टाइम, व्हेन यू हैव द राइट प्रोसीजर टू नोटिफाई द सेंसस रिजल्ट्स, व्हाई आर यू ट्राइंग टू मेक दिस अमेंडमेंट? फॉर व्हाट रीजन? टू क्रिएट कंफ्यूजन इन द होल प्रोसेस। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी ये है कि अगर कंसेंसस कल हो जाता है सारी पार्टीज़ का। और दूसरा मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं, दो दफ़ा ये बिल आया तो आपको पता है गवर्नमेंट के अपने लोग नहीं थे इस बिल के अंदर, उनके अपने लोग नहीं आए, 20-20 सेनेटर्स उनके शॉर्ट थे इन द हाउस। तो ये सारा ब्लेम गेम एक मीडिया कैंपेन जो शुरू हुई हुई है कि पीपल्स पार्टी के ना PTI आई ना MQM आई, तो ये सिर्फ हमारा इशू नहीं है, ये सबका इशू है। और अगर हमारा एक मौकिफ है जो हम बयान कर रहे हैं सेनेट में भी और वैसे भी, तो उसको आप सुने और उसको समझें कि हम ये क्यों कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलीम मानवी वाला साहब, सुन भी रहे हैं सुना भी रहे हैं, मगर एक मौमा है ना समझने का ना समझाने का, एक मौमा है ना सुलझने का ना सुलझाने का। सूरत हाल बहरहाल इलेक्शन के हवाले से कोई साजगार नज़र नहीं आती। अभी आपने थोड़ी देर सब कबल सुना कि कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक का भी कहना है कि उनके ख्याल में असम्बलीज मुद्दतें पूरी करती नज़र नहीं आ रही। खबर से ब्रेक। आम आदमी का ताल्लुक इस बात से है कि पाकिस्तान में कारोबार भी जमूद का शिकार है। इस्लामाबाद की फैसला साजी जमूद का शिकार हो तो हुआ करे, लेकिन कारोबार जमूद का शिकार है। मईशत इस वक्त शदीद बहरान में है। नई सरमायाकारी तो भूल जाएं, ताज़ा और नई जॉब क्रिएशन हो भूल जाएं, ये तमाम मसाइल बहुत ही संगीन हैं और कारोबारी लोग जो हैं वो चार चार आंसू रो रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। ये सबसे बड़ा क्राइसिस है, इसकी बात करते हैं तमाम कारोबारी लोगों से, हमारे साथ होंगे इस पूरी सूरत हाल पर उनकी क्या राय है छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। तफसील से इस प्रोग्राम में जिक्र हो रहा है, हुकूमत में फैसला साजी मुंजमद नज़र आती है। इस्लामाबाद में फैसला साजी और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म हाउस के फैसले में जो फैसला साजी है वो जमूद का शिकार नज़र आती है, जिसकी वजह से हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। सियासी सूरत हाल की वजह से भी हालात में मज़ीद ख़राबी है। आपसे थोड़ी देर कबल आपने सुना कि स्पीकर कौमी असम्बली जनाब अयाज सादिक का कहना यह है कि उन्हें नहीं लगता कि असम्बलीज़ अपनी मुद्दतें पूरी करेंगी। ये पूरी एक कैफियत ऐसी है जो कि जिसमें कि कोई चीज़ को प्रिडिक्ट करना इंतहाई मुश्किल है। और एक और बहुत अहम मामला ये है कि पाकिस्तान में जो चोटी की फैसला साजी है यानी कि वज़ीर आज़म के लेवल की, वो मुनकसिम है, क्योंकि असल फैसले लंदन में होते हैं जहाँ जनाब नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ रखते हैं या जहाँ आजकल उनका क़याम है, और फिर वज़ीर आज़म से पहले उन फैसलों की तमाम जो एक्सिक्यूशन है वो तमाम की तमाम होती है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ज़रिए फवाद असर फवाद, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाअसर दिखाई देते हैं। ये पूरी एक गुंजलिक सूरत हाल है और इसका सबसे बड़ा असर यह है कि पाकिस्तान की मईशत और कारोबार पूरी तरह से मुतासर हो रहा है। इन्हीं पूरी सूरत हाल की वजह से पिछले 4 दिन के दौरान पाकिस्तानी रुपये की कदर 5% से कम हो चुकी है। स्टॉक मार्केट का इंडेक्स
18,000 पॉइंट कम हो चुका है। ये पूरी सूरत हाल जो है वो एक बहुत ही मुश्किल कैफियत की इजहार कर रही है। इस पूरे माहौल पे पाकिस्तान का जो कारोबारी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी इस वक्त क्या राय है, सरमायाकार क्या पाकिस्तान का रुख करने की कभी सोच सकता है, पाकिस्तानी सरमायाकार क्या सरमायाकारी में ऐसे माहौल में कोई दिलचस्पी रख सकता है, और अगर नहीं रख सकता तो नई जॉब्स कैसे क्रिएट होंगी, इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। और इसके लिए हमने दावत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सरबरा जनाब ज़ुबैर तुफैल, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर तुफैल साहब। आप बताइए ना कि क्या सेंटीमेंट्स हैं इस वक्त बिजनेसमैन के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, ट्रेडर्स के, जिनकी आप तर्जुमानी करते हैं, पूरे पाकिस्तान के इस पूरे हलके के आप सबसे अव्वलीन तर्जुमान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज ये है कि इस वक्त मुल्क में जो माहौल है, कारोबारी माहौल है, वो काफ़ी हद तक जमूत का शिकार है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मज़ीद कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, उनको मामलात जो हैं इतने ट्रांसपेरेंट या साफ़ नज़र नहीं आते। प्लस ये कि मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर एक धरना हुआ इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको पता है कि वहाँ पर एयरपोर्ट जाने के लिए 2.5 घंटे लगते थे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थीं कि जिसकी वजह से, और बिजनेसमैन जो है अभी भी मुतमईन नहीं है, उसकी जो भी मामलात हैं उस पर जल्दी फैसला नहीं होता। FBR जो जिसके सबसे ज़्यादा हमारे वास्ता है, FBR से पड़ता है, और FBR में जो नीचे का स्टाफ है जिसको कि फील्ड फॉर्मेशन कहते हैं, ये बिजनेसमैन को तंग करता है। अगरचे ऊपर चेयरमैन मेंबर की हद तक जो लोग हैं वो हमेशा हमें जो है सपोर्ट करते हैं, लेकिन फील्ड फॉर्मेशन में बिला वजह तंग, बिला वजह। लेकिन ये तो हमेशा का मसला है। इस वक्त का ताज़ा तरीन जो हालात है ना, जो पूरे इस वक्त पूरे मुल्क में एक कैफियत है, हिजान है, ये किस तरह से आपको देखिए इस वक्त जो कारोबारी लोग हैं, ख़ास तौर पे ताजर लोग जो हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। वो ये है कि वो बिल्कुल अपने आप को काफ़ी परेशानी में महसूस करते हैं, और इसी तरह से लेकिन बाद सनतें अच्छी भी चल रही हैं, मिसाल के तौर पे सीमेंट की है, ऑटोमोबाइल है, ये दूसरी सनतें अच्छी चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप बात करते हैं मुल्क में कि नई सरमायाकारी कोई नहीं हो रही, ना कई रोज़गार के नए मौके पैदा हो रहे हैं, जबकि इस वक्त मैं समझता हूँ सबसे अहम बात यह है रोज़गार पैदा करना चाहिए। इस वक्त कोई नई सनतें नहीं लग रही हैं, उसकी वजह मैं समझता हूँ कि हुकूमती पॉलिसीज़ ऐसी नहीं हैं कि वो किसी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें कि वो आके नई इन्वेस्टमेंट करें। पॉलिसी तो उस वक्त होगी जब पॉलिसी बनाने वाला हो, पाकिस्तान का तो वज़ीर ख़जाना ही नहीं है 8-9 महीने से। आप सही कह रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना जो हैं काफ़ी महीनों से अपनी जगह पे नहीं हैं, और उसकी वजह से भी ज़रूर कुछ चीज़ें जो हैं वो देर का शिकार हैं। अगरचे वज़ीर आज़म साहब ख़ुद से फाइनेंस मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, लेकिन ये कि वज़ीर आज़म साहब पूरे मुल्क की चीज़ों को भी देख रहे हैं, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं हो सकता कि जब तक कि वहाँ पे कोई कुल वक्ती फाइनेंस मिनिस्टर ना हो जो चीज़ों को देखे और उसके मुताबिक फैसला करे। और ज़ुबैर तुफैल साहब ये भी देख लेते हैं कि आपके दूसरे साथी जो हैं पाकिस्तान भर में वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ हैं मलिक ताहिर जावेद जो प्रेसिडेंट है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स के, और हमें ज्वाइन करें जनाब शबीर चावला जो कि प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के। ताहिर जावेद साहब आप बताइएगा, लाहौर चेंबर के आप सरबरा हैं, क्या आपके पास रिपोर्ट्स है, फीडबैक है बिजनेसमैन से, ताजरों से, जो लाहौर में जो इतना बड़ा पाकिस्तान का दिल है वहाँ पे क्या कारोबारी हलके इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कारोबारी हालात जो है पाकिस्तान में वो अच्छे नहीं जा रहे हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। हमारे ऊपर टैक्सेस की भरमार बहुत ज़्यादा है, 0.6% आपका कैश विड्रॉ जो है उसके ऊपर आपका पैसा कट जाता है, जो कि बहुत ही अनफेवरेबल टैक्स है। और बात दूसरी ये है कि हम अपने जो कारोबारी बरादरी सिर्फ जो उनके ऊपर टैक्सेस हैं उन्हीं को सिर्फ आप लगाए जा रहे हैं, ब्रॉड टैक्सेस को आप नहीं कर रहे। इसके बाद सेक्शन 38, सेक्शन 39, सेक्शन 40 जो है ये स्वाब दीदी इख्तियार है टैक्स ऑफिसर्स के पास, ये अपने फैक्ट्रीज़ के जाके अंदर जाके सारा आपका रिकॉर्ड उठा के ले जाते हैं, फैक्ट्रियाँ सील कर देते हैं। तो ये जो है ये हरासमेंट है। और अभी आपने डॉलर को डीरेगुलेट करके हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इनपुट जो है वो आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, $32 बिलियन डेफिसिट जा रहा है पाकिस्तान में, हमारा जो ट्रेड का है, एक्सपोर्ट जो हमारी है वो कम होती जा रही है। तो ये सारे मसले बना के हमारे कारोबारी बरदरी के ऊपर ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि हर मामलत में वो हमारे साथ मुशावरत करें। जी अच्छा, जनाब शबीर चावला जो प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स के, और जाहिर है कि फैसलाबाद हमारा टेक्सटाइल का दिल है, सबसे बड़ा हब है,
आप बताइएगा कि आप क्या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने वेंटेज पॉइंट से क्या देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के कारोबारी और जो सनअती हालात हैं, जो सरमाकारी के हालात हैं, फैसलाबाद में क्या फीडबैक है आपके पास? इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं वो तो ऐसे ही है कि गाड़ी चल रही है और उसका ड्राइवर नहीं है, और हर चीज़ जो है उसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई चीज़ कहीं जा रही है और कोई चीज़ कहीं जा रही है। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को ले लेते हैं तो हमारे एग्रीकल्चर का कोई हाल नहीं है। इस वक्त हम जो चीज़ें हमें उगानी चाहिए वो हम उनको डिस्कार्ड कर रहे हैं, और जो चीज़ें हमें नहीं उगानी चाहिए उनके ऊपर हमने फोकस किया हुआ है। वीट हमारे पास सरप्लस है, शुगर हमारे पास सरप्लस है, कॉटन हमारे पास शॉर्ट है, जबकि हमारी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इसके अलावा टेक्सटाइल की तरफ अगर आप आएँ तो हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है पिछले 4-5 सालों में, और हमारी जो इम्पोर्ट है वो बेतहाशा बढ़ गई है। और किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है उसका रियल इंडिकेटर उसकी इंडस्ट्री होती है। फैसलाबाद की बात करूँ तो फैसलाबाद में टेक्सटाइल वीविंग इंडस्ट्री इस वक्त बंद हो चुकी है, स्पिनिंग मिल्स बहुत सारी बंद हो चुकी हैं। इस वक्त बहुत ही बड़ा क्राइसिस है, और उसकी वजह कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफ़ा है, जो कि टेक्सटाइल की अगर आप गैस की बात करें, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, उसके जो रेट हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। तो ये इस वक्त हालत है हमारी इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर चावला, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर, और जनाब मलिक ताहिर जावेद, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर। ज़ुबैर तुफैल साहब, ये तो आपके चैम्बर है, आप तो फेडरेशन के सरबराह हैं, ये कैसे हालात ठीक होंगे जिसमें कि आपका कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो तमाम सरमायाकारों का, बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का? मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे आने वाले दिनों में जहाँ बहुत सारी परेशानियां नज़र आ रही हैं, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ट्रेड डेफिसिट है। गुज़िश्ता साल हमारी इम्पोर्ट्स थी $52 बिलियन की, और इस साल $60 अरब से ज़्यादा होने जा रही हैं। मेरे पास 4 महीनों की फ़िगर आई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो ओवर 20 तकरीबन $5 बिलियन पर मंथ है। $5 बिलियन है, अगर आप इसको 12 महीने पे इसको मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ गोइंग टू क्रॉस $60 बिलियन, जबकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आज $21 बिलियन की हैं। बहुत कोशिश कर लेंगे 1-2 बिलियन बढ़ भी जाएं, लेकिन ये इतना बड़ा डेफिसिट है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी दुश्वारी होगी हुकूमत को, और फिर इलेक्शन का साल भी है, आइंदा आने वाले चंद महीनों के बाद इलेक्शन भी होना है, ये तमाम चीज़ें। दूसरा, आपके मुल्क में बिजली की कीमत इतनी ज़्यादा है कि इससे आप कोई इंडस्ट्री चला के एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। 12 रुपये यूनिट बिजली है, हमारी वज़ीर आज़म साहब से 1 महीना पहले गोया कि ये खबर कि अब पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, बिजली की कमी नहीं है, ये किसी किस्म की भी इसमें आपको जो 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 हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए इसमें कोई अच्छाई नहीं है? देखिए, बिजली तो इतनी अवेलेबल होगी, बिजली लेने वाला नहीं होगा। इस रेट के ऊपर कोई इंडस्ट्री चल के वायबल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब से तकरीबन 1 महीना पहले हमारी मुलाकात हुई, और वज़ीर आज़म साहब ने ये बात कही कि वो बिजली के रेट कम करने को इंडस्ट्री के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा, आप बताएं कितने $1 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि 12 रुपए के जो बिजली का यूनिट है उसको हुकूमत गौर कर रही है कि 9 रुपए तक ले आए, तो ये 9 रुपए तो उन्हें फौरन करना चाहिए, क्योंकि तमाम रीजन के अंदर जो बिजली की कीमत है वो पाकिस्तानी 8 रुपये से फी यूनिट से मिल रही है, इंडिया में भी, बांग्लादेश में 8 रुपये से भी कम है। जब अब बिजली तो देखें, पावर प्लांट जितने तैयार होते जाएंगे, आइंदा 4-5 महीने के बाद इतनी बिजली होगी कि लेने वाला खरीदार नहीं होगा। ये कितना अहम है कि ये जो मुल्क में सियासी भूचाल आता है, आप लोग तैयार हैं, आइंदा धरने आने वाले हैं काफ़ी? देखिए, ये धरने जो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, हम नहीं चाहते कि मज़ीद धरने आए। बहुत सारे धरने हमने देखे, एक बड़ा धरना भी देखा था, फिर अभी हालिया गुज़िश्ता महीने का धरना भी देखा, तो हम नहीं चाहते कि धरने के लिए हम कहेंगे कि इन तमाम लोगों को जो है एक हाइट पार्क बना देना चाहिए, वो जो भी धरना देना चाहते हैं शहरों से, मेन शहरों से बाहर जाके धरना दें, लेकिन मईशत को धचका ना पहुँचाएँ, कारोबार को चलने दें, लोगों की ज़िंदगी में मुश्किलात ना पैदा करें। जैसे आपने फरमाया, हमें भी नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद महीनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उससे पहले सियासी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और उस बढ़ने से कारोबार और मुतासिर होंगे, तो हम चाहते हैं कि धरनों से जो है इज्तनाब होना चाहिए। हाँ, पार्टीज़ जो हैं अपना मैनिफेस्टो दें कि अगर वो इक्तदार में आ जाएंगी तो क्या करेंगी, वो मुल्क की मईशत को कैसे बेहतर कर सकती हैं, इस काम के ऊपर बातचीत होनी चाहिए,
और दुनिया में देखिए आपको याद होगा कि इटली और जापान दो मुल्क ऐसे थे जहां तकरीबन 20 साल तक सियासी अदम इस्तेकाम रहा, हर एक साल के बाद उनकी हुकूमत बदलती थी, लेकिन मौशी एजेंडा जो था दोनों मुल्कों में यकसां रहता था, चाहे क्योंकि वहाँ पे जो हुकूमत बनती थी सिर्फ दो वोटों से बनती थी, अगर इटली में एक पार्टी से दो वोट दूसरी तरफ चले जाते थे तो वो हुकूमत ख़त्म हो जाती थी, तो वहाँ पे भी उन्होंने मौशी एजेंडे के ऊपर एक एक होकर काम किया। यहाँ पे भी तमाम बड़ी सियासी जमातों को मेरा ये मशवरा है कि वो आपस में बैठ के एक मईशत का एजेंडा बनाएं कि अगले 10 साल में क्या करना है उसको फॉलो करें, और जिसकी हुकूमत बने जो वोट से जीते वो आए और हुकूमत को चलाए। लेकिन बात ये है कि जब तक आप मईशत पे सही तरह सीरियसली काम नहीं करेंगे मामलात बेहतर नहीं होंगे और मुल्क बराबर मुश्किलात का शिकार रहेगा। आप लोग इलेक्शन से पहले ये तमाम सियासी जमातें आपके पास आएंगी, आप उनसे कहें ना कि आप हम सब को आप सब मिलके हमें पहले एक माशी अपना प्रोग्राम दें, आप पहले सर जोड़ के बैठ जाएं, एक हमें माशी प्रोग्राम दें जिस पे आप एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, बाकी आप सियासत और कुछ भी करें। मैं जो लफ्ज़ बोलने जा रहा था आपने पहले मुझसे कह दिया वो ये है कि मैंने तीनों बड़ी जमातों के लीडरों को दावत दी है, और कल के दिन इमरान खान जो हैं और उनके साथी जो असद उमर और दूसरे लीडर जो हैं वो कल 1 बजे दिन को FPCCI में आएंगे और इसी पे बात होगी। हमने कहा कि आप अपना इकोनॉमिक एजेंडा बताएं कि अगर आपकी हुकूमत बनती है तो आप मुल्क में क्या बेहतरी लाएंगे, तो पहला जो इनविटेशन पे कल एक पार्टी आ रही है, उसके बाद दूसरी पार्टी जो है हमने पीपल्स पार्टी को भी दावत दी है वो अगले हफ्ते में आएंगे, और उसके बाद सबसे आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ये तीनों बड़ी पार्टियों को बुलाया नहीं, है। नहीं, अलग अलग तो आके आ जाएंगे आपके पास, इनको जोड़ना है ना सर आपको? मुझे डर है ये आपस में लड़ पड़ेंगे जब सामने बैठेंगे। अच्छा, अच्छा, तो इनका क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है तो अलहदा अलहदा रहें तो अच्छा है, बस फिर अलहदे ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जुबैर तोफैल, सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कारोबार तिजारत के लिहाज से सबसे बड़ी इंडस्ट्री, उसके सरबराह जनाब जुबैर तोफैल, और आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ ना से।